ओम शांति। आज 6 मई 2023, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे सपूत बन। क्या बनना है? सपूत बन, श्री मत पर चल, मात पिता की आशीर्वाद ले, आगे बढ़ते रह। सपूत बनेंगे कब बनेंगे? जब मात पिता की श्री मत पर चलेंगे। सपूत बच्चा वो जो माँ बाप का कहना माने, जो ना माने वो कैसे सपूत होगा? अच्छा, फिर जब कहना मानेगा तो माँ बाप उसको दुआ देंगे, आशीर्वाद देंगे। नहीं मानेगा तो देंगे आशीर्वाद? आशीर्वाद देंगे? नहीं देंगे। तो मेरा बच्चा ही नहीं, बच्चा ही नहीं। दुनिया वाले तो चलो कह दें कोई बात नहीं, समाज के डर से, परिवार के डर से, ये तो ना किसी की माने, ये तो किसी की ना माने। इसे किसी का भय नहीं। दुनिया वाले तो डरते हैं, परंतु डरने की बात। आशीर्वाद लेने में कभी भूल नहीं करना। आशीर्वाद लेने में भूल भी हो जाती है, किसी और का कहना मान लिया, जितनी देर तक दूसरे का कहना मान लिया, अपना कहना मान लिया, तो श्रीमत मिलना बंद, श्रीमत पर चलना भूल गए। किसी और की मत पर चल रहे हैं ना, तो बाबा की मत को छोड़ दिया, किसी और की मत पर चलना शुरू कर दिया। चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बेटा हो, तो चाहे पड़ोसी हो, तो चाहे गुरुजी हो, कोई भी हो, तो उतनी देर तक क्या नहीं मिलेगी? आशीर्वाद नहीं मिलेगी। ऐसा स्कूल है हमारा। प्रश्न, बाप बच्चों को कौन सा शुभ मार्ग बतलाते हैं जो कोई भी मनुष्य नहीं बतला सकते? परमपिता परमात्मा कौन सा ऐसा शुभ मार्ग बतलाते हैं जो कोई भी मनुष्य नहीं बतला सकता? ऐसा कोई रास्ता बताया है बाबा ने हमें जो दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता? क्या रास्ता है? पतित से पावन बनने का रास्ता। दुनिया में कोई भी पतित से पावन बनने का रास्ता बता नहीं सकता। मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करने का शुभ मार्ग एक बाप ही बतला है, और कोई नहीं बतला सकता। क्या सबूत है हमारे पास कि और कोई नहीं बतला सकता? ड्रामा कल्याणकारी है। परमपिता परमात्मा ने आके समझाया कि ये ड्रामा कल्याणकारी है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। ये तो दुनिया वाले भी कहते थे। फिर बाबा ने कौन सी बात ऐसी समझा दी कि ये सच हो गई? क्योंकि बाबा ने आके समझाया, जानते सारे थे परंतु स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। हमारा बेटा मर गया, कहते अच्छा हुआ। हमारी मां मर गई, कहते अच्छा हुआ। हमारी छत गिर गई, कहते अच्छा हुआ। कैसे अच्छा हुआ? हाँ, कैसे अच्छा हुआ? क्योंकि कर्मों की गति परमपिता परमात्मा ने ही आकर के समझा। कर्मों की गति कोई और नहीं समझा सकता। तो कर्मों की गति आके समझाना, ये परमपिता परमात्मा का रोता। दूसरा क्या आके समझाया कि मोक्ष
किसी को भी नहीं मिल सकता, मुझे भी मोक्ष नहीं मिल सकता। जब मुझे मोक्ष नहीं मिल सकता तो वर्ल्ड ड्रामा के अंदर किसी भी आत्मा को मोक्ष नहीं मिल सकता। कर्मों की गति के हिसाब से मुक्ति का मतलब है जब संसार में किसी भी आत्मा से लेना देना नहीं। दुनिया वाले ये जानते ही नहीं कि मुक्ति क्या है, ये जानते ही नहीं। बाबा ने आके समझाया कि तुम्हारा कार्मिक अकाउंट जो तुमने परम धाम से आके इस संसार में बनाया लिया दिया, वो बराबर करके ही तुम्हें घर जाना। ये है मुक्ति। मुक्ति का रास्ता क्या है? संसार की हर आत्मा के साथ हिसाब किताब बराबर करना। और जीवन मुक्ति का क्या रास्ता है? श्रेष्ठ कर्मों से अपना भाग्य बनाना। अकर्म का खाता जितना ज्यादा बनाएंगे उतना ज्यादा जीवन मुक्ति में जाएंगे। ये मार्ग किसी को पता ही नहीं है। और ये कर्म का खाता बनाती आत्मा है ये भी नहीं पता। ये कर्म का खाता हिसाब किताब बनाती आत्मा है ये नहीं पता। वो समझते हैं देह बनाता है देह भोगता है। हम तो देह हैं, हम कर्म कर रहे हैं, हम सजा भोगेंगे। आत्मा को जानते हैं, आत्मा को समझ जानते हैं, परंतु क्या है, जो है, जैसी है, वैसे नहीं जानते। परमात्मा को मानते हैं परंतु परमात्मा जो है, जैसा है, वैसा वैसा नहीं जानते। मैं जो हूं जैसा हूं कोई नहीं। तो परमात्मा आकर स्वयं की पहचान देते, परम बच्चों की आत्माओं की सबको अपनी अपनी पहचान देते, कर्मों की गति बताते और जीवन मुक्ति और मुक्ति का रास्ता बताते। ये रास्ता दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता। उनको बताएं तो तब जब उनको पता। किसी को पता भी नहीं है। अगर किसी भी आत्मा को पता होता तो दुख आते ही आत्मा फौरन वहां भाग जाती, मुक्ति धाम में चली जाती, जीवन मुक्ति धाम में चली जाती, जा नहीं सकती जब तक बाप आकर ना समझा। और जब तक समझाने के बाद भी साथ में ना ले जाए, और कोई साथ ले भी नहीं जा सकता। बाप ने तुम्हें मार्ग बताया, बच्चे देह सहित सब कुछ भूल, अपने को आत्मा समझ, मुझ एक बाप को याद कर, मुझे एक बाप की श्रीमत पर चलो। इससे ही पावन बनेंगे, इससे ही पावन बनेंगे। गीत ले लो दुआएं, मां बाप की सिर से उतरेगी गठड़ी पाप। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अब हम मात पिता को पतित पावन तो कहते ही हैं। बच्चे जानते हैं कि जन्म मरण जन्म जन्मांतर के पापों की गठरी उतरनी है। अनेक जन्मों से हमने जो पाप कर्म किए हुए हैं, देह समझकर कर्म किए हैं 63 जन्मों से, वो गठरी तो अब उतरनी है। उतरनी कैसे है? उतरनी है, पर तो उतरनी कैसे है? मात पिता को याद करने से, मात पिता की श्री मत पर। मन मत से नहीं उतरेगी,
शास्त्रों की मत से नहीं उतरेगी, गुरुओं की मत से नहीं उतरेगी। क्योंकि दुनिया के काम, दुनिया के कहने पे तो सिर्फ क्या मिलेंगे, धक्के। इधर जाओ तो उधर जाओ, सिर्फ माता पिता को याद करने से। पुकारते शिव बाबा को ही है, सारे अंत में पुकारते तो उस परमात्मा को है। ऊंचते ऊंच ज्ञान बाप समझाते रहते हैं, बच्चे वर्षा लेते हैं बाप से, परंतु जब तक एडॉप्ट ना करे बाबा, जब तक आकर एडॉप्ट ना करे, मुख वंशावली ना बने, तो बच्चे कैसे कहला। शिव बाबा के बच्चे मुख वंशावली और कुख वंशावली और संकल्प वंशावली, ठीक है क्या। हम है संकल्प वंशावली बच्चे, ब्रह्मा बाबा के संकल्प से हमें एडॉप्शन। भक्ति मार्ग वाले सिर्फ गाते हैं, तुम यहां सन्मुख बैठे हो, बाप कहते हैं अब मैं आया हूं तुम्हारी जन्म जन्मांतर की गठड़ी को उतारने की राय देने। जन्म जन्मांतर की गठड़ी को उतारने की राय देने, रास्ता बताने, श्री मत पर चलाने। अब चलना तो किसका काम है, हम बच्चों का काम है। ये बाबा नहीं कहते, ये ब्रह्मा बाबा नहीं कहते, कौन कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं, मेरे लाडले सिक्की लदे बच्चे, समझते हो, बरोबर पतित पावन बाप ही पापों की गठड़ी उतारने का मार्ग, पतित से पावन बनने का मार्ग बताते। जैसे सुभाष मार्ग नाम रखते हैं ना, वो रास्ते का नाम रख दिया होगा सुभाष। अब ये है पतित से पावन बनने का मार्ग। अब उस मार्ग में तो पता नहीं कहीं सुभाष दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, उसका कोई चित्र लगा दे तो भी चलो कोई बात नहीं, परंतु सुभाष तो नहीं मिल सकता उनको। ये है पतित से पावन बनने का मार्ग। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, कितनी बार कह रहे हैं आज, प्यार ज्यादा आ रहा है। मीठे मीठे बच्चे, मैं तुमको मार्ग बताने आया हूं। मनुष्य पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ, और आकर पतित से पावन बनाने का मार्ग बताओ। तुम्हें अभी वे मार्ग कौन बताते हैं, मोस्ट बिलवेड बाप, मोस्ट बिलवेड बाप। साधु आदि साधना करते हैं मुक्ति में जाने लिए, परंतु जा नहीं सकते। जब दुनिया पतित होती है तब पावन दुनिया का मार्ग बताने बाप को आना पड़ता है, बाप को आना पड़ता है। कोई भी मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग बता ना सके, तो श्री मत पर चलना चाहिए। सब संग तोड़ना है, सब संग तोड़ना है। सर्व धर्मान परित्यज्य, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम याद करो। अभी आया था एक दो दिन पहले भी, क्या मतलब था इसका, कौन से धर्म छोड़ने हैं, कौन से धर्म छोड़ने हैं, कौन से, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। हमने ऐसे बताया, ऐसे बात की थी क्या, ऐसे बात तो नहीं की थी। धर्म माना हर आत्मा ने जो जो धारण किया हुआ है, सबके धर्म अलग अलग है।
भूल गए, हर आत्मा के धर्म अलग अलग है ना। हमने सर्वधर्मों को, जितनी भी आत्माएं हैं, किसी भी आत्मा के धर्म को क्या करना है, त्याग। स्वयं का भी धर्म त्यागना है, दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं उन सब धर्म, उनके भी धर्मों को त्यागना है, केवल एक बाप की श्रीमत पर। क्योंकि जितने भी मनुष्य हैं वो सारे अल्पज्ञ हैं, अधूरे हैं, उनकी मत से कभी किसी का कल्याण नहीं हो सकता। एक बाबा ही है जिसकी मत सर्व के कल्याण के लिए, उसकी मत पर सभी छोड़, अपने को आत्मा समझो, सभी धर्मों को छोड़ो। पिताजी ऐसे कहते हैं, माताजी ऐसे कहते हैं, गुरुजी ऐसे कहते हैं, नाना ऐसे कहता है, मामा ऐसे कहता है, वो ऐसे, किसी की नहीं सुननी। किसकी सुननी है? सिर्फ एक बाबा। मैं फलाना हूं, ये मेरी मिल्कियत है, ये सब छोड़ दो, शरीर का नाम भी सब छोड़ दो, मैं बस एक आत्मा हूं और मैंने एक बाप की श्रीमत पर, ये सब छोड़, अपने को आत्मा समझो और निरंतर पुरुषार्थ करो। आत्मा समझ इस रथ से कर्म करो, मेरे को याद करो, मैं शुभ मार्ग बताता हूं, मैं शुभ मार्ग बताता हूं, इन जैसा शुभ मार्ग कोई होता नहीं, इन जैसा शुभ मार्ग कोई होता नहीं, होता है। अब ये दुख का नाटक पूरा होता है, अभी भी ये दुख का पार्ट बजाना चाहते हो क्या, बता दो, क्यों कह रहे हैं ऐसे? जब तक बाकी सब धर्मों को छोड़ेंगे नहीं, तब तक दुख के पार्ट से निकलेंगे नहीं, दुख के पार्ट से तो और ही दुखी होंगे। यदि अभी भी नहीं छोड़ेंगे सब धर्मों को तो और ही दुखी होंगे। कभी किसी के कहने पे चल दिए, वकील के कहने पे चल दिए, डॉक्टर के कहने पे चल दिए, इंजीनियर के कहने पे चल दिए, किसी के कहने पे ना जाना, बस बाबा जो कहे वो। यहां कोई भी मनुष्य सुखी नहीं है, अकाले मृत्यु आदि कितनी दुख की बातें, अकाले मृत्यु आदि कितनी दुख की बातें, क्योंकि समझ बैठे अकाले मृत्यु हो गई, मेरा बेटा अभी तो 60 साल का था, अभी 65 साल का था, मैं बैठा हूं वो चला गया, मतलब मैं बैठा हूं वो चला गया, दुख है, बड़ा दुख है। बाप बैठा है, बेटा चला गया, दादा दादी बैठे हैं, बेटा चला गया, बताओ, बड़ा गलत बात, अकाले मृत्यु हुई है, परंतु उनको पता नहीं कि अकाले मृत्यु कभी होती है। हर आत्मा अपने एक्यूरेट टाइम पर शरीर को छोड़ती है। कितना बड़ा एक्सीडेंट किसी को नहीं मार सकता, कितना बड़ा पॉइजन किसी को नहीं मार सकता, जब तक उसकी आखिरी सांस आया नहीं, मतलब उसके जाने का समय आया नहीं। कोई दुनिया की गोली नहीं बनी जो उसको मार सके, किसी को मार सके, जिसका समय आया है उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं जो उसे रोक सके। कितना बड़ा डॉक्टर, कितना बड़ा सर्जन, कितना बड़ा ज्योतिषी, कितना बड़ा पंडित, कितना बड़ा धर्मगुरु, यहां तक के परमपिता परमात्मा भी उसे रोक नहीं सके।
अकाले मृत्यु आदि कितनी दुख की बातें हैं, ये समझ ही मिल जाए कि अकाले मृत्यु नहीं होती तो सारे दुख खत्म। कोई एक विरला बड़ी आयु वाले हैं, बाकी तो रोगी बन पड़े। कोई विरले मिलेंगे जो लंबी आयु तक जी रहे हों, बाकी तो सारे क्या बन पड़े हैं? बाप कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूं, अब मात पिता को याद करो। अब मेरा कहना श्री मत पर चलने से तुम्हारे ऊपर कितनी आशीर्वाद होती है, जो तुम सब क्या बन जाते हो? भाग्यशाली बन। बाप कहते हैं तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो, बेहद के बाप से विश्व का मालिक बनना लेना कोई कम बात थोड़े ही है। पैसे के लिए कितना ठगी आदि करते हैं, यहां ऐसी बात नहीं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदैव के लिए निरोगी बन जाएंगे। 21 जन्मों के लिए कितना भारी वर्षा देते हैं, ऐसे बाप से भक्ति मार्ग में प्रतिज्ञा करते आए हो, तुम पर कुर्बान जाएंगे, फिर आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। अब तुम जानते हो हम अपने मोस्ट बिलवेड बाप के पास बैठे हैं। बाप निराकार निरहंकारी गाया हुआ है, कितना ऊंचते ऊंच बाप है, कितना ऊंचते ऊंच बाप है। जब भक्ति पूरी होती है तब भक्ति मार्ग का फल देने लिए मैं आता हूं। वे भी बताते हैं मेरे सच्चे सच्चे भक्त कौन है, जो पहले पहले पूज्य थे, पहले पहले पूज्य थे, भगवान भगवती थे, फिर ऊपर से नीचे आए हैं, सतो रजो तमो में आते आते अब बिल्कुल ही जड़ जड़ी भूत हो गए हैं। तुम जानते हो हम सो विश्व के मालिक थे, भारत की बड़ी महिमा है, इसलिए सब भारत को मदद करते हैं। जानते हैं भारत पहले बहुत सौकार था, अब गरीब हो गया है तो सबको तरस पड़ता है, भारत को बहुत गरीब समझकर मदद करते हैं। कोई बहुत सौकार होते हैं और फिर गरीब बन पड़ते हैं, तो उनको दान देने लिए सबकी दिल होती है। बाप कहते हैं भारतवासी कितने मूंझे हुए हैं, शिव जयंती मनाते हैं परंतु जानते हैं कि शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया। जरूर बाप वर्षा लेकर आया होगा, बाप जरूर क्या लेकर आया होगा, वर्षा लेकर आया होगा स्वर्ग का। वर्षा भी किसका लाए होंगे? स्वर्ग का। मालिक बनाया होगा। कहते हैं मैं बच्चों को सदा सुखी बनाकर तख्त देकर वान प्रस्थ में चला जाता। कहां चले जाते हैं? वाणी से परे जाकर स्थित हो जाते हैं। मैं कोई तमन्ना नहीं रखता हूं विश्व का राज्य पाने के लिए, मैं मालिक नहीं बनता हूं। ऐसे बिलवेड बाप को कैसे पकड़ना चाहिए, कैसे पकड़ना चाहिए? उसका कहना मान लो, वो पकड़ में आ गया। ऐसे बिलवेड बाप को कैसे पकड़ना चाहिए, हाथ से पकड़ने की बात नहीं, फिर कैसे पकड़े भाई?
बुद्धि से पकड़ो। बुद्धि से कैसे पकड़े? जो वो कहे वो पकड़ लो, जो वो श्रीमत दे वो पकड़ लो। तो आपने बाबा को पकड़ रखा है, और यदि किसी और का कहना मान लिया तो उसको पकड़ रखा है, छोड़ दिया बाबा को। फैसला हमने करना है। सबको अपने घर गृहस्थ में भी रहना है, बच्चों की पालना भी करनी है। ये है बेहद का सन्यास। देश सहित जो कुछ है उनको छोड़ना है, उनको छोड़ना है। यहां हर एक चीज जड़ जड़ी भूत तमो प्रधान है। जड़ी भूत तमो प्रधान है, दुख देने वाली है, तत्व भी दुख देते हैं। बरसात ना पड़ी फेमन हो, सूखा पड़ गया खाने को कुछ भी, बाढ़ आ जाती है वहां तो ये तत्व आदि सब तुम्हारे ऑर्डर में रहेंगे, वहां सारे तत्व तुम्हारे ऑर्डर में रहेंगे। पांच तत्व भी तुम्हारी अवज्ञा नहीं करेंगे। अभी तुम बच्चे बाप से दुआएं ले रहे हो, दुआएं मिलेंगी श्रीमत पर, बाप की श्रीमत है पर, मददगार बनो फिर मुझे याद करो। परंतु रहो कमल फूल समान, बस याद से ही तुम इस भारत को स्वर्ग बना देंगे। बाप कहते हैं तुम सिर्फ पवित्र बनो, ऐसे नहीं कि सब मनुष्य अंगुली देंगे। जो कल्प पहले श्रीमत पर बाप के मददगार बने हैं वही बनेंगे, जो कल्प पहले बने हैं वही अब बनेंगे, जो कल्प पहले नहीं बने थे वो अब भी नहीं बनेंगे। ये फखर होना चाहिए कि हम परम पिता परम आत्मा की राइट हैंड बनते हैं। राइट हैंड बनने से पूरा राइट यस बन जाएंगे, विजय माला में पिरो जाएंगे, विजय माला में पिरो जाएंगे। है बहुत सहज, है बहुत सहज, इसमें कोई हठ योग आदि नहीं कराते, इसमें कोई हठ योग आदि नहीं कराते हैं। नाटक पूरा हुआ, 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, अभी छी छी कपड़ा छोड़ना है, छी छी कपड़ा छोड़ना है। अब मुझे याद करते करते शांति धाम में आ जाएंगे, पहले वहां निवास करेंगे, फिर तुमको सुख के लिए सुख के संबंध में भेज देंगे। बरोबर हम आत्माएं वहां से आती हैं, वे स्वीट होम तो सब भूल गए हैं, सब भूल गए हैं। मनुष्य काशी कलवट खाते हैं, समझते हैं यहां दुख है, यहां दुख है। हम जाते हैं शिव के पास, परंतु शिव बाबा के पास पहुंच नहीं सकते। यहां तो तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम कमाई करते हो, पहले बाबा के बच्चे बनते हो, बाबा पढ़ाना शुरू करते हैं, फिर तुमको वापस घर ले जाते हैं, फिर स्वर्ग में भेज देते। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहां चाहिए ना, तो तुम समझा सकते हो हम हैं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, शिव बाबा हमारा दादा है, वर्षा दादे से मिलता है, वे है स्वर्ग का रचयिता।
उनसे ही स्वर्ग का वर्षा मिलना है, इसलिए बाबा की मत पर चलना है, उनसे आशीर्वाद लेनी है। आज्ञाकारी बच्चे ही आशीर्वाद लेने के हकदार हैं। बाप कहते हैं कपूत नहीं, लेकिन सपूत बनो, कपूत नहीं लेकिन सपूत बनो, बाबा का हाथ पूरा पकड़ लो, तुमको बहुत आराम से ले जाते हैं, सब आत्माओं को पंख मिल जाते हैं, तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना उड़ने के पंख मिलते जाएंगे, उड़ने के पंख मिलते जाएंगे। सजा खाने वाले थोड़े ही ऊंच पद पाएंगे, सजा खाने वाले थोड़े ही ऊंच पद पाएंगे, श्री मत पर चलो फिर सजा के लायक नहीं बनेंगे। पासविद आनर होने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। मम्मा बाबा के ऊपर भी जीत पानी होती है। बाप बार बार कहते हैं बच्चे बच्चे बाप से मुख नहीं मोड़ना। कोई सेंटर स्थापना करते, खूब सेवाएं करते, कई फिर चलते चलते रूठ जाते, संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, कोई ना कोई खिट फिट चलती रहती है, परंतु कभी भी बाप को छोड़ना नहीं है। बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेते हैं, गृहस्थ व्यवहार में भी संभालना है, गृहस्थ व्यवहार में भी संभालना है। यह कोई वो संन्यास नहीं है, ये कोई दुनिया वाला संन्यास। तुमने बच्चों को रचा है तो उनकी पालना भी करनी है, उनमें भी कपूत और सपूत जरूर होंगे, कपूत भी होंगे और सपूत भी जरूर होंगे। कपूत बच्चे सबको तंग करेंगे, कपूत कपूत बच्चे सबको तंग करेंगे। बाप कहते हैं तुम सबको पारलौकिक बाप का परिचय दो, बोलो ओ गॉडफादर कहते हो, फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। कहते ही है पतित पावन गॉड फादर, तो जरूर पतित दुनिया है और पावन दुनिया भी है। सभी आत्माओं का बाप वो एक है, अभी तुम जानते हो। हम उस बाप के सामने बैठे हैं जो हमको पतित से पावन बनाकर आशीर्वाद देते हैं। चिरंजीवी रहो, वहां तुमको काल नहीं खा सकता। तो बाप कहते हैं श्री मत पर चलो, सबको सुख दो। बाप आए ही हैं सबको सुखी बनाने, सुख और शांति दोनों वर्षा देते हैं। वहां तो माया ही नहीं तो दुख कहां से आया, यहां तो एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप आए हैं क्या करने के लिए, सुख धाम का मालिक बनाने, सुख धाम का मालिक बनाने। उसके लिए तुम पढ़ते हो, उसके लिए तुम पढ़ते हो। बाप ने सभी प्रबंध रखे हैं, है तो सब बच्चों का ही, है तो सब बच्चों का ही। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा सर्वेंट हूं, बच्चे कहते हैं शिव बाबा, शिव बाबा।
हमारे नाम पर मकान बना लेना। ठीक है, हमने ईंट दे दिए, हमारे नाम पर मकान बना। जो हुक्म, जो जो आज्ञा। बाप भी कहते हैं जो हुक्म बच्चों का, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही तुम्हारे लिए बनवा रहे हैं, सब कुछ शिव बाबा ही करते हैं। बाबा ने कहा है चिट्ठी भी लिखो, तो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, केयर ऑफ ब्रह्मा। ये आदत पड़ जानी चाहिए, ये आदत पड़ जानी चाहिए। शिव बाबा को याद करने से कितने पाप कटते। बाबा युक्तियां बताते रहते हैं, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। बहुत सहज है ना, नाम ही है सहज राज योग और सहज ज्ञान, और सहज ज्ञान। बाप है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। ये भी सेकंड की बात है, ये भी सेकंड की बात है। अब भारतवासियों पर राहु की दशा बदलकर बृहस्पति की दशा बैठती है, बैठती है। बाप कहते हैं बच्चे दुआएं ले लो तो तुम्हारे पाप की गठरी उतरे। माम एकम याद करने की प्रैक्टिस करो, उठते बैठते चलते फिरते। बाप कहते हैं मुझ मोस्ट वेलवेड बाप को याद करो, तुमको कैसा वर्षा देता हूं। तो मां बाप से दुआएं लेने की, लेने के लिए लायक बनना चाहिए। इसने, ये ब्रह्मा ने भी लौकिक बाप की बहुत दुआएं ली, बाप की बहुत सेवा की है। पिछाड़ी में कहा काशी में निवास कराओ, अच्छा बाबा चलो। क्यों, मां गई थी वहां, बिठाकर नौकर चाकर सब दिए, काशी में बिठा दिया, नौकर चाकर रख दिए, ठीक है तुम यहां रहो। वहां ही उनकी मनोकामना पूरी हुई, बाबा की आशीर्वाद मिली ना, सबकी सर्विस की तो आशीर्वाद मिली। मां बाप की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है, अभी है बेहद की बात। इसलिए सपूत बच्चे बन आशीर्वाद लेनी है तो श्रीमत पर चलते रहो और सबको मार्ग बताओ। भारतवासी स्वर्ग के मालिक बने थे, अभी बाबा आया है वर्षा देने। कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद कर, और किसके नाम रूप में नहीं फंसना है। देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी शरण में सुख करने रे। अब वे मात पिता सामने बैठे हैं, बाबा बरोबर आप कल्प पहले आए थे, कल्प कल्प भी आप ऐसे आते हो, ये हम जानते हैं और कोई नहीं जानते, और कोई नहीं जानते हैं। तुम 84 जन्मों के चक्र को जान गए हो,
अभी बाप से आशीर्वाद लेने में भूल ना करो, भूल ना करो। ये बड़ी जबरदस्त आशीर्वाद है, बाप तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाकर खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। ये खुद इस सृष्टि का सुख नहीं लेते, ये खुद इस सृष्टि का सुख नहीं लेते। अच्छा, बाप कहते हैं विस्तार से क्या सुनाऊं, थोड़ी सी बात सिर्फ समझ लो। क्या समझ लो? तुम बाप को याद करना भूल जाते, गांठ बांध लो। मनुष्य कोई बात याद करने के लिए क्या करते, गांठ बांध लेते हैं ना, तो भूलते नहीं है। तो ये भी भूलना नहीं है, गांठ बांध लो कि हमने बाप का कहना। सेंटर खोलने वालों को कितनी आशीर्वाद मिलती है, स्वर्ग के फाउंडर को सब कितना याद करते हैं। ओ गॉड फादर मर्सी ऑन मी, मेरे पर रहम करो। वो है सर्व का सदगति दाता, शांति का सागर। बाप कैसे बैठ बच्चों की सेवा करते, कितना ऊंचते ऊंच बनाते हैं, कोई को भी पता नहीं है, नहीं पड़ता कि बाप इनों को क्यों बना, क्या बनाते हैं। बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित है, बहुत निरहंकारी है। बच्चे किस्म किस्म के हैं तो भी कहते हैं, तो भी बाबा क्या कहते हैं, भावी ऐसी बनी हुई है। बाप कहते हैं मेरी एक्ट हू बहु कल्प पहले माफिक चलती है, मेरी एक्ट हू बहु कल्प पहले वाली एक्ट चलती। गांधी अथवा नेहरू भी चाहते थे कि वन ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट हो, अब ये कार्य बाप कर रहे। आहिस्ते आहिस्ते जानते जाएंगे कार्य बाप करा रहे हैं। कर्मातीत अवस्था हुई तो ये शरीर नहीं रहेगा, पिछाड़ी में आने वालों को बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और ऐसे भी पिछाड़ी में आने वाले बहुत तीखे जाते। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, बाप की श्रीमत पर पूरा चल, बाप का राइट हैंड बन, पूरा राइट यस बनना है, पूरा राइट यस बनना है, बाप का पूरा मददगार बनना है, बाप का पूरा मददगार बनना है। नंबर दो, मात पिता की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है, इसलिए आज्ञाकारी बन, आशीर्वाद लेनी है। बाप समान निरहंकारी बनना है। वरदान मनसा वाचा और कर्मणा, तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले यज्ञ स्नेही भव। बाप दादा के पास सभी बच्चों की सेवा के तीन प्रकार के खाते हैं। जो यज्ञ स्नेही हैं वे मनसा वाचा कर्मणा, तन मन और धन, तीनों
सेवा में सदा सहयोगी बनते हैं। हर खाते की 100 मार्क्स है, हर खाते के क्या है 100 नंबर है। अगर किसी की वाचा सेवा की ड्यूटी है, मूल्य ज्ञान सुनाना है कोई भी, तो उसमें मनसा और कर्मणा की परसेंटेज कम ना हो। मनसा सेवा भी पूरी 100% हो और वाचा सेवा भी। वाचा सेवा सहज है, बोल करके किसी को सुनाना तो, लेकिन मनसा में अटेंशन देने की बात है। कर्मणा सिर्फ स्थूल सेवा नहीं, लेकिन संगठन में संबंध संपर्क में आना, ये भी कर्म के खाते में जमा होता है। आप संगठन में रह रहे हो, एक दूसरे के संबंध संपर्क में रूहानी आ रहे हो कि जिस्मानी आ रहे हो, ये भी कर्म के खाते में जमा होता है। स्लोगन है, अपने ऊपर राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी भाव। अपने ऊपर राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो, साथियों पर राज्य करने वाले नहीं। अपने ऊपर क्या करना है हमको, राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी, स्व पर राज्य करना। स्व मीन्स आत्मा, आत्मा मीन्स मन बुद्धि संस्कार। हमें अपने मन बुद्धि संस्कारों पर राज्य करना, हमें किसी और के ऊपर नहीं। साथियों पर राज्य नहीं करना हमें। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106 98 केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।